लेकिन वो कहते हैं कि देखो भाई, जब कुछ शुभ होता है, कुछ मंगल होता है, घर में भी कोई अच्छा होता है, बच्चे भी कोई अच्छे कपड़े पहनता है, जरा साफ सुथरा होता है, तो काला टीला टीका लगा देते हैं। आज देश का जो मंगल हो रहा है चारों तरफ, देश की जो चारों तरफ वाहवाही हो रही है, देश का जो जय जयकार हो रहा है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि काले टीके के रूप में, काले कपड़े में निकल के सदन में आकर के आपने इस मंगल को भी सुरक्षित करने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले तीन दिन से भी हमारे विपक्ष के साथियों ने जी भर करके, डिक्शनरी खोल खोल करके जितने अपशब्द मिलते हैं ले आए, जितने अपशब्दों का उपयोग कर सकते हैं भरपूर, पता नहीं कहां कहां से ले आते हैं। लेकिन अच्छा है, थोड़ा मन का गुबार उनका निकल गया होगा, थोड़ा मन हल्का हुआ होगा, इतने अपशब्द बोल दिए हैं तो। और वैसे तो ये लोग मुझे दिन रात कोसते रहते हैं, उनकी ये फितरत है, और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये पसंदीदा नारा है। मेरे लिए ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा, मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं। और ये ऐसा क्यों करते हैं और ये क्यों होता है, आज मैं सदन में कुछ सीक्रेट बताना चाहता हूं। मेरा पक्का विश्वास हो गया है कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, सीक्रेट वरदान मिला हुआ है, और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भला ही होगा। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है, 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन भलाई होता गया। तो आपको बड़ा सीक्रेट वरदान है जी, और मैं तीन उदाहरण से ये सीक्रेट वरदान को सिद्ध कर सकता हूं जी। आपको ध्यान होगा, किन लोगों ने कहा था बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर डूब जाएगा, बैंकिंग सेक्टर तबाह हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, न जाने क्या क्या कहा था, और बड़े बड़े विद्वानों को विदेशों से ले आते थे, उनसे कहलवाते थे ताकि उनकी बात कोई न माने तो शायद उनकी मान ले। हमारे बैंकों की सेहत को लेकर के भांति भांति की निराशा, अफवाह फैलाने का काम इन्होंने पुरजोश किया, और जब इन्होंने बुरा चाहा बैंकों का तो हुआ क्या, हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स नेट प्रॉफिट 2 गुने से ज्यादा हो गया। इन लोगों ने फोन बैंकिंग घोटाले की बात, इसके कारण देश को एनपीए के गंभीर संकट में डुबो दिया था। बीते दिनों की बात हो रही है, लेकिन आज
जो उन्होंने एनपीए का अंबर लगा के गए थे उसको भी पार कर करके हम एक नई ताकत के साथ निकल चुके हैं। और आज सुभेंद्र निर्मला जी ने विस्तार से बताया है कि कितना प्रॉफिट हुआ है। दूसरा उदाहरण, हमारे डिफेंस के हेलीकॉप्टर बनाने वाली सरकारी कंपनी एचएएल, ये एचएएल को लेकर के कितनी भली बुरी बातें इन्होंने करी थी, क्या कुछ नहीं कहा गया था एचएएल के लिए, और इसका दुनिया पे बहुत नुकसान करने वाली भाषा का प्रयोग किया गया था। और एचएएल तबाह हो गया है, एचएएल खत्म हो गया है, भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, ऐसा न जाने क्या क्या कहा गया था एचएएल के लिए। इतना ही नहीं, जैसे आजकल खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है, मालूम है ना, खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है, वैसा ही उस समय एचएएल फैक्ट्री के दरवाजे पर मजदूरों की सभा करके वीडियो शूट करवाया गया था और वहां के कामगारों को भड़काया गया था, अब तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तुम्हारे बच्चे मरेंगे, भूखे मरेंगे, एचएएल डूब रहा है, देश की इतनी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट को इतना बुरा चाहा, इतना बुरा चाहा, इतना बुरा कहा कि वो सीक्रेट आज एचएएल सफलता की नई बुलंदियों को छू रहा है। एचएएल ने अपना हाईएस्ट एवर यू एवर एवर हाईएस्ट रेवेन्यू रजिस्टर किया है। इनके जी भर करके गंभीर आरोप के बावजूद भी वहां के कामदारों को, वहां के कर्मचारियों को उकसाने की भरपूर कोशिश के बावजूद भी आज एचएएल देश की आन बान शान बन के उठ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जिसका बुरा चाहते हैं वो कैसे आगे बढ़ता है, मैं तीसरा उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं एलआईसी के लिए क्या क्या कहा गया था, एलआईसी बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहां जाएगा, बेचारे ने बड़ी मेहनत से एलआईसी में पैसा डाला है, क्या कहें, जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे, सारे बोल लेते थे वो, सारे बोल लेते थे। लेकिन आज एलआईसी लगातार मजबूत हो रही है, शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये लोग देश की जिन संस्थाओं की मृत्यु की घोषणा करते हैं उन संस्थाओं का भाग्य चमक जाता है, और मुझे विश्वास है कि ये जैसे देश को कोसते हैं, लोकतंत्र को कोसते हैं, मेरा पक्का विश्वास है देश भी मजबूत होने वाला है, लोकतंत्र भी मजबूत होने वाला है, और हम तो होने ही वाले हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो लोग हैं जिन्हें देश के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं, इन लोगों को देश के परिश्रम पर विश्वास नहीं है, देश के पराक्रम पर विश्वास नहीं है।
कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारी सरकार के अगले टर्म में तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था बनेगा।